हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप लोगों को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। देव उठान एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठान एकादशी पर भगवान शालिग्राम संघ तुलसी विवाह का बहुत ही विशेष महत्व है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उस दिन सभी देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर 4 महीने से रुके हुए सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम संघ तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसा करने पर वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएँ खत्म होती हैं और जिन लोगों के विवाह में रुकावट आती है वह भी दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम का विवाह करने पर कन्यादान के बराबर का पुण्य लाभ मिलता है। अगर किसी के विवाह में तरह तरह की अड़चनें आती हैं या फिर विवाह बार बार टूटता है तो इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन शुभ माना गया है। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी, देव उत्थान और देव प्रबोधिनी के नाम से जाना जाता है, तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप संघ तुलसी विवाह विधि विधान के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी पर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह कराने पर सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिलाएं रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम भगवान के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे कराती हैं। विवाह में कई गीत भजन व तुलसी नाम अष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले माता तुलसी की पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। तो बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता तुलसी की जय। आप सभी हम ले आ रहे हैं विदा करा के अपने तुलसी मैया अपने घर। ये आ गए हमारे विष्णु भगवान जी, विष्णु भगवान। तेरी सखी मंगल गाओरी, तटी अंबर सजाओरी, रेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, पी की सवारी। मंगल गाओ बहू लेके आए, सुंदर थी दोनों जनी। यही आशीर्वाद बना रहे प्रभु का, भगवान मेरे अगली कार्तिक को दावत आए। ले लो राधे की जय, राधे राधे अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, thank you.
सो गाइस अब हमारी तुलसी मैया जाएंगी अपने मायके, जैसे कि बिटिया को विदा करते हैं और बिटिया भी ससुराल के बाद दसई चलाने जाती है अपने मायके, इसी तरीके से हम अपनी तुलसी मैया को उनके मायके लेके जाएंगे। तो चलो चलते हैं तुलसी मैया के मायके और विष्णु भगवान के ससुराल। हम तो यही बोलेंगे क्योंकि हमें तुलसी मैया वहीं से मिली है। हमें दमाद आए और पता भी ना साथ। लाइट जला दो, यहाँ की लाइट बोल रही है। जल गई लाइट, भी हमें जलानी पड़ी है। बताओ स्वागत नहीं किया हमारा, हम रूठ जाएंगे, दहेज बड़ा वाला मांगेंगे। दहेज मांगना पाप है। गेट तो बंद कर दो। आ गई हैं, अब विराजमान हो गई मैया। मंदिर के सामने आरती हो रही है। अब हो रहा है जाने का समय। अब हम अपनी तुलसी मैया को और विष्णु भगवान को अपने घर ले जाएंगे। ये है हमारी तुलसी मैया का मायका, इसी घर से हमारी तुलसी मैया हमारे घर आई थी। ये आ गया नाश्ता और ये हिंग की अचारी। तो मैं जब भी भाभी के घर पे आती हूँ तो ये मुझे हिंग की अचारी से मटरी ज़रूर खिलाती हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हिंग की अचारी से मटरी। तो ये नाश्ता, चाय भी आ रही है। चलो अब चलने का समय हो गया है, अब हम जा रहे हैं इनको विदा करा के यहाँ से ले जा रहे हैं। ये लहंगा भी इन्होंने भाभी ने सिलाया, कितना सुंदर तुलसी मैया का। और ये ज्वेलरी कैसी लग रही है, ये भी देखो मैंने मंगाई थी ऑनलाइन। इसका मैं वीडियो अलग से डालूंगी तो आप लोग ज़रूर देखना, प्राइस भी उसमें बताऊँगी। और ज्वेलरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे विदा मिल रही है, देख लो मामा जी को ये खाते में और बिटिया को हाथ भी रख दिए। सही है, यही होता है, बेटी तो हर तरह से खुश रहती है, दामाद से थोड़ा सम्मान अलग से मिलता है तो वो अलग ही बात है। ये नहीं हमारी तुलसी मैया की मम्मी जी। चलो विदा करो बिटिया को, गाड़ी खड़ी है नीचे। चलो चलो रे डोली उठाओ कान पिया की। अरे विष्णु भगवान तो रह गए भैया, तो लेके चलो। चलो तुलसी भैया हमारे आंगन में। पिछले साल भी हमें तुलसी मैया का विवाह किया था, इसी घर से हमें तुलसी मैया मिली थी और इस बार भी हमें ये तुलसी मैया मिली है, सजी धजी सी बिटिया जैसे मायके से जाती है ऐसी। तो आ गई हूँ मैं अपने घर अपनी तुलसी मैया को लेके। तो ये है मेरा मंदिर, तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान विराजमान कर दिए हैं और माता तुलसी भी विराजमान कर दी हैं। तो मैंने ये किया था श्रृंगार विष्णु भगवान का, कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे, भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।